जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने जायज़ या वारद का आपका जो नंबर है आप उसका टैक्स सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपने पूरे साल में कितना रिचार्ज किया, मतलब लोड किया अपने नंबर पर, और उस पर आपका कितना टैक्स डिटेक्ट हुआ। ये आपको तब ज़रूरत होती है जब आप अपने इनकम टैक्स गोशवारे FBR में जमा करा रहे होते हैं, तब आपसे आपका वकील या जो कंसल्टेंसी वाला होता है वो भी इस चीज़ को डिमांड करता है। और अगर आप ख़ुद भी रिटर्न सबमिट करते हैं तो आपको भी पता है कि टैक्स एडजस्ट करने के लिए ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए। इवन कि जितने भी मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट्स आपके होते हैं सबका चाहिए होता है, लेकिन अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके जायज़ वाले नंबर का या वारद वाले नंबर का। अगर आपका जायज़ का या वारद का कोई नंबर है उसका आप टैक्स सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकते हैं, इसका तरीका का सिर्फ एक सिंपल कोड डायल करने से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये इसके लिए आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मोबाइल डायल कोड को ओपन करना है। यहाँ पर आपने इंटर करना है *444# *444#। इस पर क्लिक करें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे फर्दर आपने जो है ना रिप्लाइज देने हैं। इसके दो तीन स्टेप के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पहली मरतबा जब आप *444# डायल करेंगे तो जो भी मेन्यू आपको शो होगा उसमें आपने माई अकाउंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ माई अकाउंट का ऑप्शन जो है वो 6 नंबर पे है। मैं रिप्लाई पे क्लिक करूँगा, यहाँ 6 इंटर किया और उसको मैंने रिप्लाई किया। इसको मैं जैसे ही रिप्लाई करूँगा फर्दर जो नेक्स्ट इंटरफेस है वो मुझे दिखाई देगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबरिंग में बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन 6 नंबर पर टैक्स सर्टिफिकेट है। तो यहाँ मैं 6 पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं 6 पे जो है ना सिलेक्स इंटर करके रिप्लाई किया तो यहाँ मुझसे पूछा कि कौन से टैक्स ईयर का आपको चाहिए। 2023-24 का मुझे चाहिए जो कि 1 नंबर पे है। तो यहाँ मैं रिप्लाई पे क्लिक करूँगा, यहाँ मैं 1 पे क्लिक करूँगा, ये मैंने रिप्लाई किया। ओके, तो जैसे मैंने रिप्लाई किया 1, तो यहाँ क्या पॉपअप आ रहा है, डियर कस्टमर योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड, यू विल सोन रिसीव अ कन्फर्मेशन SMS। तो ऊपर आप देखें कि मुझे मैसेज भी आ गया है जायज़ का। तो मैं जायज़ वाले मैसेज को ओपन करूँगा और जो है ना आपको दिखाऊंगा कि टैक्स सर्टिफिकेट कैसे होता है। तो आपने क्या करना है, इनबॉक्स में जाना है। ये जो आपको लिंक आया हुआ है, आपने मेरे क्योंकि काफ़ी सारे नंबर थे मैंने हर एक का अलग अलग से डाउनलोड किया है, तो जो आपको लिंक आया हुआ है ये लिंक पे भी मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये आप देखें, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो उस पर मुझे सारी चीज़ें मेरी दिखाई दे रही हैं। अब आप यहाँ देखें कि ऊपर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट सर्टिफाइड दैट अ सम ऑफ ₹2,209 जो है ना ऑन अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स हैज़ बीन कलेक्टेड, मतलब 2,209 रुपये उन्होंने मेरे अकाउंट से एज ए टैक्स कलेक्ट किए। ओके, और नीचे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ मोबाइल नंबर ड्यूरिंग पीरियड अंडर सेक्शन ऑन अकाउंट ऑन और जो है ना ऑन दी वैल्यू अमाउंट ऑफ रुपीज़ के सामने लिखा हुआ है ₹14,733। मतलब ओवरऑल जो मैं फाइनेंशियल ईयर में जो मैंने लोड किया है, रिचार्ज किया है अपने नंबर पे, वो ₹14,733 किए, और जो टैक्स डिटेक्ट हुआ है वो ₹2,209 डिटेक्ट हुए। तो इस तरीके से आपके जायज़ या वारद का जो भी नंबर है आप उसका टैक्स सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी मोबाइल नंबर्स होते हैं या जितने भी बैंक्स हैं सब पे मैं ट्यूटोरियल वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन हैं, और मुतलका वीडियो ढूंढने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, मुतलका वीडियो ढूंढ सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो इस तरीके से आप टैक्स सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से हासिल नहीं करना चाहते तो सेकेंड तरीका ये है कि जायज़ कैश का ऑफिस विज़िट करके, फ्रेंचाइज विज़िट करके, वहाँ भी आपको ये प्रोवाइड कर देंगे जब आप ऑफिस में जाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद